लंच करके निकल पड़े हैं घूमने के लिए। इतना मस्त मौसम है, ठंडा ठंडा। आगे बैठी दो जोड़ी, ये तो आशीष और सर, आपका चेहरा तो दिखा दो। मस्त है। पहुंच गए हैं, ये किला मुबारक है पटियाला का। अरे ये देखो, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा। आज हम रेडी टू ईट वाले गोलगप्पे बनाने जा रहे हैं। आंटी बना रही है। ये क्या हो रहा है? हमें बताएंगे कितना कितना मटेरियल डालना है इसमें। ये लो हिमर साहब, पहले कहाँ देंगे जी, अब मजा ही आ गया बिल्कुल। राम राम जी। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए व्लॉग में। तो फ्रेंड, दोपहर में मैं ऑफिस से आई और आंटी जी ने इतना सामान तैयार कर रखा है। गोलगप्पे का पानी तैयार कर लिया और छोले कुलचे के लिए छोले भी तैयार हैं। और अभी दोपहर में हमें दाल, जैसे नॉर्मली वो धोई हुई दाल होती है ना, उसकी हम भी मैं तो पहली बार ही देख रहे हैं, हम तो सिंपल दाल ही बनाते हैं। आंटी चाट बनाएंगे, चाट दाल। तो उसके लिए क्या किया आंटी जी ने, पहले ये एक घंटा भिगो के रखी, आधा घंटा भिगो के रखा, फिर उसमें तीन गुना पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के इसको सीटी लगवा ली थी। और अब है मेन चीज तो, अब इसमें फिर सिम कर देते हैं। अच्छा, एक सीटी लगा, हाँ, सिम करके फिर एक दो सीटी और लगा लेते हैं, फिर बस रेडी हो जाती है। अच्छा, ये रेडी होगी। अब इसमें मसाला डालेंगे। एक तो आंटी जी ने ये बनाया था, इमली की चटनी है ये, मीठी इमली की चटनी। ये डालेंगे, नींबू डालेंगे, खट्टी मीठी बनेगी। तो मैं इधर फटाफट रोटी बना लेता हूँ। खट्टी चटनी पड़े, खट्टी चटनी, खट्टी चटनी, खट्टी चटनी भी डालेंगे इसमें। बना रखी है वो? हाँ, वो बना रखी है ये। अच्छा, मीठी और खट्टी दोनों चटनी डाल, दोनों चटनी और वो डालेंगे इसमें। भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और थोड़ा सा हींग। भाई देखते जाओ फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी चीजें सिखा के जाएंगे आंटी जी। और क्रीम बटर नहीं लाया, नहीं तो बटर से तो बढ़िया लगती है। बटर अभी मंगवा लेंगे ना, कोई बात नहीं। चम्मच तो अभी हम खाना खा के घूमने चलेंगे, गोलगप्पे आके खाएंगे, ठीक है? आप दोनों का कंपटीशन भी करवाएंगे गोलगप्पे में, कौन ज्यादा खाता है देखते हैं। और छोले कुलचे शाम को देख लेंगे, आज सारे दिन खाते हैं। अच्छा, ये वो है हरी चटनी है, पुदीना धनिया की हरी चटनी बनाई है। पुदीना धनिया और इसमें आम भी है। अच्छा, मैं टेस्ट कराया था मैंने आशीष को, वो गोलगप्पे का पानी बहुत बढ़िया लगा। हाँ, बता रहे थे कि एकदम वो बाहर वाला टेस्ट आ रहा है जो शॉप पे मिलता है। इसमें जीरा डाल दिया, काली मिर्च थोड़ी सी, इसमें चीनी डाल। अब ये सब गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा हींग फ्लेवर के लिए, नींबू भी डाला है। नींबू भी खट्टी मीठी लगती है ना खाने में, ये हमारे यूपी की मतलब जो है फेमस दाल होती है ये। और मोस्टली मतलब मैरिज वगैरह में ये जरूर बनती है। मूंग की चाट वाली दाल, मूंग की चाट वाली दाल बहुत पसंद की जाती है वहाँ। और ये फिर किसके साथ खाते हैं, रोटी के साथ? हाँ, रोटी के साथ भी और बिना रोटी के भी ऐसे भी खा सकते हैं इसको। नाश्ते में मतलब हल्की रहती है, अच्छी। तो फ्रेंड, रियांशी के लिए फीकी दाल हमने अलग से निकाल ली थी और इधर अपनी मूंग चाट दाल रेडी है। देखो कलर भी कितना मस्त है और खाने में तो ऐसे स्वाद आ रहे हैं, बहुत मस्त स्वाद आ रहा है।
बहुत वैरायटी होगी। राजतरियांशी के भी पूरे मजे हैं, बच्ची 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 मजा आ रहा है। अभियांशी शाम को गोलगप्पे खाएंगे। नन्हे चे हूँ मैं, छोटे चे मैं हूँ। देखो पूरा एंजॉय कर रही है आंटी। चलो और फ्रेंड अब हम लंच करके निकल पड़े हैं घूमने के लिए। इतना मस्त मौसम है, ठंडा ठंडा, बहुत बढ़िया, मजा आएगा घूमने जा रहे हैं। और वही आंटी जी का लुक देखो, पूरे मॉडर्न बने हुए हैं। बच्चों के साथ जवान जवान हो गए हैं और आगे बैठे हैं दोनों जोड़ी। आगे बैठी है दो जोड़ी, ये तो आशीष और सर। आपका चेहरा तो दिखा दो। नहीं दिखाना, तुमने काम ही ऐसे किए हैं। क्या हुआ, कल वाले रिश्ते आएंगे कोई कदा? ऐसे रिश्ते आते हैं। हमने लड़की का रिश्ता मांगा था। तो फ्रेंड कल वाले आप मजाक में ले रहे हो, ये प्रियांक सर के लिए रिश्ता ढूंढना है हमें, ना कि प्रियंका। नहीं है, इनका नाम प्रियांक है। आप अच्छे से चेहरा भी दिखा दो सर। आप दिखाने लायक रहेंगे जो दिखाएंगे। हाँ ये ऑफिस प्रियांका है आंटी जी, इधर वाले बिल्डिंग मेन गेट दिखा। और इधर ये माता काली का मंदिर है, ये पूरा बड़ा। ये तो निकल, ये है मेन गेट इनका, ये बड़ा है। ये मॉल आ जाता है फिर यहाँ पहला मॉल। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये प्रियांक सर है, इनके लिए हमें लड़की देखनी है। और आंटी जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि भाई आपके साथ की हो, मेरे जैसी हो। है ना, तो आप भी फ्रेंड्स मेरी मदद करो, प्रियांक सर के लिए बढ़िया लड़की ढूंढ के देंगे आंटी जी को। बिचौले को है, बिचौले को। प्रियांशी बहुत क्यूट लग रही है, बहुत खुश है ये भी। प्रियांशी भी देखो, मौसम देखो आंटी जी कितना। तो फ्रेंड अगर आपकी निगाह में कोई लड़की है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी इसमें होती है, लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। आपकी सूचना भी गुप्त रखेंगे हम, किसी को नहीं बताएंगे, बस आंटी जी को दिखाएंगे। और आंटी जी अगर टिक कर देंगे तो हम भी फाइनल कर देंगे। और आंटी देखो पूरा आंटी जी के साथ मस्त है। और हम पहुंच गए हैं, ये किला मुबारक है पटियाला का। और ये है वो प्रियांक सर, अब अच्छे से देख लो फ्रेंड। ये देखो काफी बढ़िया बना रखा है। चलो अंदर चलते हैं, और इधर चल रहा है भाई फोटो शूट, अच्छे से फोटो खींच भाई प्रियांक, नहीं तो पैसे कट जाएंगे। और ये देखो कितनी मस्त बिल्डिंग बनी हुई है, काफी पुरानी बिल्डिंग है ये, राजे महाराजों के टाइम की। तो फ्रेंड ये है ना, अंदर से कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसीलिए होटल बना रहे हैं कह रहे थे। वैसे काफी बड़ा है, अंदर भी डीप में और ऊपर भी देखो कितनी ऊंची ऊंची दीवार है। तो कभी होटल बनने के बाद अच्छे से दिखाएंगे, आंटी जी को भी लेके आएंगे दोबारा। आज तो बस फोटो खींच के काम चला लेते हैं। है भी आंटी खुश है? अच्छा। और यहाँ रखी है तो बारिश आ गई, बारिश आ गई। इधर रखी है तो ये पूरा वो एरिया बना रखा है ना, मेन किला है इधर। हाँ दीवार काफी ऊंची ऊंची है ना, हम तो छोटे से लग रहे हैं। हाँ का भी कनेक्शन है ऊपर, वो देखो टावर देखो कितना पुराना लगा हुआ। बारिश आ रही है, ये फिर इस साइड बैक गेट होगा। हाँ बाहर एग्जिट ही होगा इधर से तो लगता है। ये तो अब देखो कितनी पुरानी है, लोहे की बनी हुई है। हाँ, इसका वो टायर भी टूट गया। अच्छा आ जाकर बुक
रास्ता, ये देखो सुरंग गुप्त रास्ता हुआ करता, यहाँ फिर पहरा देते होंगे कोई। आगे से गोला बारी हो रही है, धुआं निकल रहा है कहाँ। एक ही रास्ता था वो गुप्त तो है। तो आंटी जी को हमने किला मुबारक दिखा दिया, कैसे लगा आंटी जी? बहुत बढ़िया लगा, अंदर से नहीं दिखा पाए उसके लिए सॉरी। अगली बार दिखाएंगे। हम पार्क में आए थे तो प्रियांक सर नूर क्या छुपा रहे हो, जैसे चलो किला तो बंद था पार्क तो खुला है फिर भी है ना, कहते मैं आया हूँ इधर आया हूँ और पूरे पार्क का चक्कर लगा दिया, मेन गेट आगे ही रह गया। अब बेचारे देखो थके हारे रिया आंटी जो पार्क में घूमना था वो पार्क से पूरे पार्क का चक्कर लगा दिया, आंटी जी को भी थका दिया, अंदर क्या घूमेंगे हम, सारी ट्रिप हमारी खराब कर रहे हो आज की आप। हम तो आपके लिए लड़की ढूंढवा रहे हैं और आप हमारे ऐसी हालत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बढ़िया मौसम है, खूब घूमो अंदर घूमते ना एकदम बढ़िया, बेल का शरबत पिलाऊंगा। और फाइनली पहुंच तो गए हम पार्क के अंदर, और ये देखो कितना अच्छा मेला टाइप लगा रखा है यहाँ तो, झूले कोई मेला लग रहा है या वैसे परमानेंट है ये? अच्छा ये सही है। ये देखो फ्रेंड्स ये किस चीज का पेड़ है आप कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे तो पता नहीं चल रहा। देखो इसकी जड़े देखो कैसे घूमी हुई है। ओ आंटी ये किस चीज का है, अलग 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 पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे तो है ना। ये देखो फ्रेंड पार्क के अंदर कितने आम लगे हुए हैं, और ऐसे कई पेड़ हैं पार्क पे आम आम के। हाँ आंटी कितनी वैरायटी है ना यहाँ पे, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, ऐसे ऐसे हर टाइप की चीजें पेड़ पौधे होंगे यहाँ, पता नहीं कितनी पर मिलेंगे। देखते जाओ बहुत पुराने पुराने पेड़ है। हाँ और बड़ा कितना है, कितने भी चक्कर लगा लो। हाँ, मोर साहब आप तो पतले हो जाओगे, अगर डेली चक्कर लगाओगे दोनों ही पतले हो जाओगे। अगर ऐसे प्रियांक ये देखो फ्रेंड क्या ग्रीनरी है यहाँ पे, ये देखो इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़। पहली बार ही देखा है ऐसे, ऐसी ऐसी चीजें हैं इधर। देख लो कितनी एज्ड है, पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम रेडी टू ईट वाले गोलगप्पे बनाने जा रहे हैं। आंटी बना रही है आज हमारे लिए गोलगप्पे। और इधर भी दिखा दो, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक प्याज ही छीले जा रही हूँ। इसका काम है आंखों से पानी निकलवाना। कल करेले के लिए प्याज छीले थे और अब थोड़े से तो मसाला हम गोलगप्पे में भी यूज कर लेंगे, और उसके बाद छोले कुलचे बनाएंगे। ठीक है भाई, ये वाले छोले कुलचे है ना कैमरामैन इधर, ये वाले छोले कुलचे फरीदाबाद दिल्ली के अलावा कहीं नहीं मिले हमें, मैं पंजाब पटियाला राजस्थान हरियाणा हर जगह देखा है पर कहीं नहीं मिले। हाँ तो आज आपको वो खिला के दिखाएंगे स्पेशल फरीदाबाद के फेमस। और ये देखो इधर निकल गए गोलगप्पे, यहाँ तैयारी हो चुकी है। आंटी जी पहले एक बार पानी बता दो कैसे बनाया है। पानी बनाने के लिए मैंने एक आम भी लिया कच्ची आम भी। अच्छा, और उसको काट लिया। ठीक, कसा या काटा? काट लिया छोटे छोटे पीस में। ठीक है, और उसको मैंने फिर मिक्सी के जार में डाल दिया एक आम को,
पेस्ट और साथ में थोड़ा सा पुदीना, अच्छा 5-7 पत्ते पुदीना और थोड़ा सा धनिया, अच्छा और 2 हरी मिर्च, ठीक है, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और काला नमक, काला नमक, थोड़ा सा सफेद नमक, ठीक है, और थोड़ी सी चीनी डाल के, अच्छा, और सबको मैंने ग्राइंड कर लिया, और फिर उसके बाद में मैंने उसमें पानी मिला दिया, खट्टा मीठा बन गया है ना चीनी, हाँ, और थोड़ी नींबू, एक नींबू डाल दिया, अच्छा एक पूरा नींबू, हाँ, बाकी चीनी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि चीनी सब मतलब जो है कुछ खट्टा ज्यादा पसंद करता है, तो इस चीनी की जगह वो गुड़ का पानी बना के भी डाल सकते होंगे, है ना, गुड़ का भी बना सकते हैं, वैसे चीनी का ज्यादा बढ़िया लगता है। तो ये देखो साइज ऐसे अदला बदली मत करो, रैंडम उठाना है, थोड़ा सा मैंने इसमें हींग भी डाला है, थोड़ा सा छोटा हींग, अच्छा, हाँ थोड़ा सा भून के हींग डाल दिया इसमें, ठीक है, ओ उसको छोटे छोटे टुकड़े दिए ना, कभी फंसे वो गुल जाएंगे मुंह में एकदम से, अच्छा तो गाइस रेडी, आप रेडी हो, पहले कंडीशन क्या है, 4 गोलगप्पे खाने हैं, ठीक है, आलू बने चाहिए, दाल के आलू भी बिना ही खा सकते हैं, नहीं नहीं आलू डाल के, मतलब ये फिनिश करना है, फिनिश करना है, ये प्लेट में जितना भी आइटम है सारा फिनिश करना है, और जो जल्दी करेगा वो विनर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं, नहीं ये क्या हो गया, स्पीड बढ़ाओ मोर साहब, ऐसे मत एंजॉय नहीं करना, अभी भी कर सकते हो, फटाफट करो, ओ ये कॉपी हो रही है, वाह 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 वाह, इधर तो खत्म ही हो गया राशन। ये तो तुम ऐसे लग गए जैसे पहली बार गोलगप्पे मिले और खाने नहीं आते। रिया जी ये ओ विनर, इसे कहते हैं इंजीनियर माइंड भाई, शर्त ये थी कि फिनिश करनी है, अब वो कैसे करनी है वो तो थी नहीं शर्त। वाह प्रियांशर वाह, अब तो आपको लड़की जरूर मिल जाएगी। देख लो हमारा लड़का दिमाग वो पूरा इंटेलिजेंट है, अंगूठी ढूंढने वाली प्रथा में भी मैं फंसता हूँ। हाँ क्योंकि ये हारे थे मेरे से अंगूठी ढूंढने वाले। तो अब देख लो प्रियांक से जीत गए, अब हम आराम से खाएंगे एंजॉय कर करके, है ना, गोलगप्पे खाए और क्या खाए, गोलगप्पा भी था आलू भी था, अब एंजॉय करते हैं, कंपटीशन की तरह खेलते हैं, सही बात है, मजे के लिए नहीं कर ले, जीतने के लिए, चलो हम लोग भैया आराम से खाओ। हाँ चलो भैया। तो फ्रेंड ये देख लो इतना पूरा जग भर के पानी बनाया था और इतना टेस्टी पानी था, नॉर्मली जो वो होता है ना रेडी वाला वो गले में लगता है पानी, उसमें लाल मिर्च होती है, पर ये पानी एंड तक जो एंड वाला मसाला था ना वो भी खाया जा रहा है, इतना टेस्टी पानी है। ओहो मैं तो सोच रही हूँ प्रियंक सर ठीक है खो लेते रेडी, फेमस हो जाएंगे, है ना, इंजीनियर गोलगप्पे वाला। जैसे वो बनाते हैं ना MBA चाय वाला, और ये हम भूल गए थे, सबको अपनी ट्रिक बता दे। चिल्ला के और ये मसाला हम भूल गए थे आपको बताना, इसमें क्या क्या डाला आंटी जी, इसमें बॉइल्ड आलू, हाँ, और थोड़ी प्याज काट के, प्याज थोड़ा सा हरा धनिया, हाँ, और थोड़ा सा पुदीना, अच्छा, काट के इसमें डाल दिया, और चाट मसाला, अच्छा अच्छा नमक है ना, और काला नमक थोड़ा सा, काला थोड़ा सा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफेद नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, भुना जीरा, अच्छा सही है, ये भी बहुत मस्त बना है, क्या कर रहा है ये पूरा कुछ है रिया जी।
तो फ्रेंड 10:30 हो चुके हैं और आंटी जी कह रहे हैं आज रात अपनी है, धीरे धीरे करके खाओ सब कुछ। हाँ, और अब इधर छोले कुलचे की तैयारी हो रही है, दिखाती हूँ आपको। तो आंटी जी इधर तैयार कर रही हैं, जो ये छोटे वाले जो छोले होते हैं ना, मटरा बोलते हैं इनको, सफेद छोटे, उस छोटा साइज होता है वो, आंटी जी ने पहले भिगो, रात को ही भिगो दिए थे, फिर उनके सीटी लगा के, ये देखो थोड़ा थिकनेस देखो इनके, ऐसे ऐसे करे सफेद मटर, सफेद मटर, सफेद मटर। और अब उसमें ये सब ये रहेगा, टमाटर, खीरा, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, चटनी है ना, मीठी और खट्टी चटनी, मीठी और खट्टी चटनी। ये जो सौंठ बोलते हैं आंटी, इमली की चटनी होती है, ये भी किसी दिन आंटी जी से पूछेंगे कैसे बनाई है। ये सारा अब इसमें मिक्स कर दोगे आंटी, है ना। और ये हमारे अलग अलग डाल के ऊपर से डालेंगे। अच्छा, ऊपर से डालो। हाँ, ये कुलचे हैं, अब इनको हम तवे पे थोड़ा सा घी लगा के सेक लेंगे, बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी, और फिर उसके साथ खाएंगे, मजा आएगा। ये सफेद मटर गरम करके, और अब इस इनमें डाल दे बटर, बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, गरम गरम में पिघल जाएंगे। और उसके बाद ये जब खाएंगे ना, उसी टाइम प्याज टमाटर अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डालेंगे। और इधर आंटी जी कुलचे पका दें घी में, बड़े खुशबू आ रही, क्रिस्पी क्रिस्पी बन गए। अब आंटी जी हमें बताएंगे कितना कितना मटेरियल डालना है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी प्याज, कच्ची प्याज का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, थोड़ा सा खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, मतलब चटनी, जो खट्टी मीठी चटनी है ना, वो इसका टेस्ट और भी मजेदार बना देती है। ये है सौंठ, डाल दी सौंठ और नमक स्वाद अनुसार, बटर हमने पहले डाल ही दिया था, नींबू हो रहा उसमें, तो फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि हम इतना सामान कैसे खा रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बनाइए ताकि ज़्यादा ना हो जाए, खाना भी हेल्थ के लिए, पेट का भी ध्यान रखना पड़ता है। सामान तो चलो आंटी बना रही है, पर पेट तो अपना है कभी रात को ही पकड़ के बैठ जाए। नींबू डाल दिया है, एक नींबू बढ़ेगा पूरा, है ना, रस नहीं है, नहीं ज्यादा तो नहीं पड़ता लेकिन। अच्छा ठीक है, ठीक, अच्छा, ये नमक कम हो जाता है। भुना हुआ जीरा डाल लिया और थोड़ा सा नमक, नमक ऑलरेडी स्टार्टिंग में डाला था मटर में। अब ये है आपकी मटर, ये रेडी टू ईट, ये देखो दोनों सेवा के लिए हाजिर हैं। तुम हमें क्या दोगे गिफ्ट में, हम मुझे नहीं, चलो आंटी जी को तो हाँ खरबूजा फ्रीज, अरे खाने का नाम मत लो, इतना खा रहे हैं खरबूजा मिक्सी में पीस के फिर पी लेना। ये लो हिमर साहब, पहले कहाँ थे अंडे जी, मजा ही आ गया बिल्कुल। पहले अंडे जी फरीदाबाद, मेरे साथ फरीदाबाद चलो। अब तो प्रियांक सर की शादी में ही आएंगे हमारी YouTube फैमिली पे मुझे पूरा भरोसा है, जरूर जल्द से जल्द रिश्ता करवाएंगे और फिर हम धूम मचाएंगे सर शादी में। उनके
मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे, यहाँ के बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी सिंपलिसिटी आप लोगों में, इतनी अच्छी बड़ी पोस्ट होने के बाद भी मतलब कोई प्राउड नहीं, कुछ नहीं बिल्कुल प्राउड तो आपको करवाना है आंटी जी, बहुत बढ़िया। आपसे भी ऐसे लग रहा है कोई जनरेशन गैप ही नहीं है, इतना मस्त मजेदार हो आप, बिल्कुल फनी। तो चलो फटाफट खा के फिर करते हैं।